वेलकम फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, इसे रेफरल हॉस्पिटल भी कहते हैं। यह लगभग 100 गांव पर एक होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CHC या रेफरल हॉस्पिटल कितनी आबादी पर होती है? ए 80,000 से 1,20,000, बी 50,000 से 60,000, सी 40,000 से 50,000, डी 20,000 से 30,000। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 80,000 से 1,20,000 या 100 गांव पर एक CHC होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रत्येक जिला में CHC की संख्या होती है ए 1, बी 3, सी 5, डी 10। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, प्रत्येक जिला में एक CHC होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कितने PHC पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। 4 PHC पर एक CHC होता है। क्वेश्चन नंबर 4, CHC में बेड की संख्या होती है ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30। एक CHC में बेड यानी सैया की संख्या 30 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, 31/12/1996 तक देश में कितने CHC की स्थापना हुई? ए 2400, बी 2430, सी 2433, डी 2500। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2433। क्वेश्चन नंबर 6, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ए 1947, बी 1952, सी 1961, डी 1964। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अनुशंसित कर्मचारियों की संख्या होती है ए 50, बी 30, सी 25, डी 20। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 25 कर्मचारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने विशेषज्ञ रहते हैं? ए 4, बी 8, सी 12, डी 15। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। CHC पर 4 विशेषज्ञ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेफरल प्रणाली में रोगी को रेफर किया जाता है ए अच्छे और अस्पताल के ख्याल से, बी अच्छे संचार सुविधा के लिए, सी अच्छे और बेहतर इलाज के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अच्छे और बेहतर इलाज के लिए रोगी को रेफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सामुदायिक क्षेत्र में काम करने के लिए करना चाहिए ए सुविधा अनुसार, बी जनता के सहूलियत के अनुसार, सी मुखिया के अनुसार, डी अपने अनुसार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता के सहूलियत के अनुसार काम करना चाहिए।